प्रणधार सुंदर सात जी, जब राजकुमार सिद्धार्थ 7 दिन 7 रात की अखंड समाधि में बैठते हैं तो उन्हें निराकार महाशून्य तक का ज्ञान प्राप्त होता है और संसार उनको भगवान बुद्ध कहता है। बुद्ध का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि में सत्य ज्ञान का प्रकाश हो वो बुद्ध कहलाता है। इसके पहले वो सिद्धार्थ थे। श्री देवचंद जी के धाम हृदय में अक्षरातीत के चरण कमल पड़ते हैं, जागृत बुद्धि प्रवेश करती है और अक्षरातीत का ज्ञान, जो अवेश रूप से अक्षरातीत विराजमान होते हैं उनका ज्ञान जागृत बुद्धि के अंदर प्रकट होता है तो संसार उनको विजयावनंत बुद्ध जी कहता है। लेकिन इस तन से जो ज्ञान की लीला होती है उसमें स्वलीला अद्वैत परम धाम के परम सत्य जिसको मार्फत कहते हैं वो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया था। वह दूसरे तन में प्रकट होता है और दूसरे तन को क्या कहते हैं? महामती जी का तन कहते हैं। जब सुंदर साथ कुछ बोलने में थोड़ी सी चुक कर देता है तो वो जानते हैं शब्द के साथ अर्थ जुड़ा होता है। प्राणनाथ तो देवचंद जी के अंदर भी लीला कर रहे थे क्योंकि प्रकट वाणी में कहा गया है, तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ ढोंड कारणों अपनों साथ। यह प्रसंग कहाँ का है? देवचंद जी और गांगजी भाई की वार्ता की बात है। तो यहाँ प्राणनाथ कौन है? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के धाम हृदय में प्राणनाथ विराजमान है। जब हम जल्दी जल्दी में बोल जाते हैं, प्राय समाज का सभी मूर्धन्य विद्वत वर्ग ये बोलता है कि श्री देवचंद जी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी विजयावनंद बुद्ध जी, मैंने भी बोला है, और महामती और श्री प्राणनाथ जी निष्कलंक विजयावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, तो ऐसा लगता है कि देवचंद जी अलग हैं और प्राणनाथ जी अलग हैं। वास्तव में क्या है? नाम सिंगार शोभा सारी में भेद तुम्हारे लिए। महामती जी की आत्मा को, इंद्रावती को महामती की शोभा मिलती है और महामती जी को नाम सिंगार शोभा सारी में भेद तुम्हारे लिए। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे प्रियतम, आपने मुझे अपना नाम, अपनी शोभा, अपना श्रृंगार दिया। जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। श्री देवचंद जी एक तन का नाम है, श्यामा जी उन तन में लीला करने वाली आत्मा है, लेकिन जब वो एक तन के साथ जोड़ा जाता है तो एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उनको कहा जाएगा विजयावनंद बुद्ध स्वरूप। इसी तरह से महामती जी के धाम हृदय में जब अक्षरातीत कावेश जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं वह जब विराजमान होता है, महामती जी की आत्मा कहती है मेरी संगति ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें फल पाया। मेरे हृदय में कौन है? मेरे हृदय में मेरा प्राणनाथ है। महामत खेले अपने लालसों जो अक्षरातीत का यो। जब हम प्राणनाथ की व्याख्या ऐसी करते हैं कि जो अक्षरातीत है वही प्राणनाथ है, तो वह प्राणनाथ महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। उनके द्वारा परम धाम का जो ज्ञान, जिससे कहते हैं ना श्यामा ये रसना श्यामा जी की, श्यामा जी के हृदय में प्रकट होता है युगल स्वरूप के द्वारा, जो जागृत बुद्धि के को दिया जाता है, तो जागृत बुद्धि को यहाँ निष्कलंक की शोभा मिलती है। निष्कलंका च या बुद्धि पूर्णानंद परात्मिका। देवचंद जी के तन से जागृत बुद्धि की लीला होती है लेकिन उसमें कलंक रहता है कि स्वलीला अद्वैत के निस्वत वादत खिलवत का मारिफत प्रकट नहीं हुआ। निस्वत प्रकट हो गई, खिलवत प्रकट हो गई, वादत प्रकट एकत्व परम धाम का प्रकट हो जाता है, अनन्य प्रेम प्रकट हो जाता है, लेकिन उसके जो परम सत्य का गोहितम रस है वो दूसरे तन से परम धाम की वाणी के अवतरण पर प्रकट होता है, इसलिए उस बुद्धि को वहाँ निष्कलंक स्वरूप कहा जाता है। क्योंकि प्राणनाथ में तो कलंक लग ही नहीं सकता, ये कलंक किसमें लगेगा? क्योंकि जागृत बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? सत्स्वरूप। वैसे तो अक्षर ब्रह्म का मूल स्वरूप परम धाम में है लेकिन वो अक्षरातीत का ही स्वरूप है, इसलिए जागृत बुद्धि की जो लीला होगी सत्स्वरूप के अंदर होगी। परम धाम में जागृत बुद्धि की कोई लीला नहीं होती है क्योंकि अक्षर अक्षरातीत दोनों एक ही स्वरूप है। वाणी कहते हैं कि हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोई, पर बातून शुद्ध तिनको नहीं हक इलम दिखावे सुन। आप सोचिए, हम सुंदर साथ जब विजयावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बात आती है तो बहुत हल्के में ले लेते हैं, शायद हम भूल कर जाते हैं कि वाणी क्या कहती है, जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्ध जी पहुँचे तीत।
मेरे हृदय चरण तनि के इन्हें फल पाया। आज विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के सभी आचार्यों के बीच में हरिद्वार में जाहिर होने का दिन है। आज समाज को उसकी गरिमा समझनी चाहिए कि जो विष्णु को नहीं पता, महाविष्णु जिनके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड भ्रमण करते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव सहित, मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें फल पाया। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की कृपा से जागृत बुद्धि निष्कलंक का ला सके। जब तक देवचंद जी के तन में नहीं बैठी थी जागृत बुद्धि को, परम धाम की वैधत का भी ज्ञान नहीं था। अद्वैत के बारे में जानती थी जागृत बुद्धि, लेकिन स्वलीला अद्वैत के रस को नहीं जानती थी। ये कड़वा सच है। देवचंद जी के तन में स्वलीला अद्वैत को जान गए, लेकिन स्वलीला अद्वैत का जो मारिफत का रस है, प्रेम की मारिफत का है, निस्मूल संबंध की मारिफत का है, एकत्व की जो परम रहस्य है, वो श्री प्राण जी का जो स्वरूप है, जैसे कि मैंने कहा स्वरूप का तात्पर्य क्या है। जब हम एक व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, कोई एक तन होता है, उस तन में जीव होता है, आत्मा होती है, बुद्धि होती है, और उसका एक स्वरूप क्रीड़ा करता है, लीला करता है संसार में, तो उसको हम व्यक्ति रूप में हम ये करते हैं, तो अब वहाँ कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में सदगुरु धनी से देवचंद जी कहते हैं, उनको हम विजय अभिनंद बुद्ध कह देते हैं, और श्री प्राणनाथ जी को हम विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कह देते हैं। लेकिन सच ये है कि उन दोनों तनों में एक देवचंद जी का तन है, एक मीराज महामती का तन है, एक में जागृत बुद्धि कलंक रूप रही क्योंकि इसमें पूर्ण ज्ञान जो कते पक्ष का भी एक तो नहीं उतरा, दूसरे मारिफत का भी ज्ञान नहीं उतरा, हकीकत का ज्ञान उतरा, ब्रजरास और धाम की शुद्धति पर जागने की शुद्ध ना, दूसरे तन से ये सब कुछ होता है, इसलिए जो जागृत बुद्धि के ऊपर कलंक था वो हट जाता है, तो इसको निष्कलंक स्वरूप कहते हैं। अब आप सोचिए, इस सृष्टि में इससे बड़ा ज्ञान आज तक कभी नहीं आया था, इसलिए तो कहा है कई हुए कई हुई सी पर किन ब्रह्मांडों ना है। लेकिन हम सुंदर साथ का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज की बागडोर उन महापुरुषों के हाथों में है वर्तमान समय में, जो प्राणनाथ जी को संत महापुरुष कवि आचार्य कहते हैं, कम से कम हम तो ना कहें। आज हो सकता है संसार को उस अक्षरातीत के ज्ञान की आवा को फैलाने की जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहा है, जिसने अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को निष्कलंक बना दिया। संसार में अखंड का जो भी ज्ञान आता रहा है, चाहे कुरान हो, चाहे भागवत का रहस्य हो, चाहे माहेश्वर तंत्रम का रहस्य हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण का ज्ञान हो जबरील के द्वारा, जिसको परब्रह्म का जोश कहते हैं, दूसरे शब्द में शास्त्रीय भाषा में इसको ज्ञान क्रिया शक्ति कहते हैं। ज्ञान शक्ति क्या है? जागृत बुद्धि, और उसके द्वारा भी जो संभव नहीं था स्वलीला अद्वैत वहदत का रस, वो देवचंद जी के तन में आकर वो जागृत बुद्धि प्राप्त करती है, पुनः अभी मारिफत का रस बाकी रह जाता है, वो महामती जी के धाम हृदय में प्राप्त करती है। तो हम सुंदर सात प्राणनाथ जी को का काम चलाऊ भाषा में कह देते हैं कि विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। वास्तविक आशय है कि प्राणनाथ जी की कृपा से जागृत बुद्धि को विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक कहलाने की शोभा मिली। इसी को कहा कि अवतार जो ने कलंको सो अस उधरो रूप रहो, पुरुष देखो ने नैनो तुरी को कलंकित कहो। मेरे पास केवल एक मिनट बचा है और मैं ज़्यादा समय का दुरुपयोग नहीं करता। चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि आज आवश्यकता है समाज उस प्राणनाथ की महिमा को समझे, जिनके चरणों की कृपा से जागृत बुद्धि को भी परम धाम का ज्ञान मिला है। अक्षर के दो चश्मे ना से नूर नजर, उस प्राणनाथ को कम से कम सुंदर मूर्धन्य विद्वान है इतनी कृपा करें कि प्यास संत महापुरुष कवि और आचार्य की उपमा न दें। थोड़ा सा संस्कृत पढ़ लिया, थोड़ा सा भागवत की कथा कर लिया और प्राणनाथ जी को संतों की पंक्ति में खड़ा कर देते हैं और राजाओं के चित्रों को देवचंद जी और प्राणनाथ जी बना देते हैं। कम से कम हम इतना अपमान न करें, हम गरिमा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो श्री देवचंद जी के तन में कौन लीला किया, सुखदाई सबन को अखंड करनहार, विश्व बंदे अक्षर लोग सुखे परिचित सुख का विचार। हम इतना तो समझें कि इन तनों में लीला करने वाला कौन है। यदि हम सूर्य को सूर्य नहीं कह सकते तो कम से कम हम दीपक कहने का प्रयास न करें। हम आज ऐसा ही हो रहा है। सुंदर साथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि हर विद्वान अपनी विद्वता का अंग छोड़ें और उस अक्षरातीत के चरण कमलों
की महिमा को गाए, जिनके आने से ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, जिनके आने से सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति की सौगात मिलने वाली है। हम स्वयं को गौरवान्वित करते हैं, समझते हैं थोड़ी सी भागवत की कथाएं करके, थोड़े से संस्कृत के श्लोक पढ़ करके, तो ये सोचना होगा अक्षर से तो ज़्यादा कोई जानवान नहीं है। अक्षर ब्रह्म जिस परम धाम के जान की प्रतीक्षा कर रहे थे, अक्षर की आत्मा भी तो तरसती है स्वलीला द्वैत वैद्वत के रहस्य को समझने की, और वो महामति जी के तन से पूर्ण होता है, इसलिए ऐसा न कभी हुआ है न कभी होने वाला है भविष्य में। अनंत बार सृष्टि बन चुकी है, पहले बाद में भी बनेगी, लेकिन ऐसे स्वरूप की महिमा को किसी से तुलना न करें। हम वास्तविक सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम कलंकित करने का प्रयास न करें। आज विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के जाहिर होने का दिन है। हम सबको दृढ़ संकल्प लेना होगा कि इस ब्रह्म ज्ञान की अवधि में हम अक्षरातीत की महिमा को जन जन तक पहुंचाने में अपना यथार्थ योगदान देंगे। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।